भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी और आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सरकार ने नए कानून के परीक्षण के लिए विधि कानून को ड्राफ्ट भेजा है। प्रदेश सरकार इसी मानसून सत्र में इस कानून को लाने की तैयारी में है। उससे पहले अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की तैयारी है। इसका एक्ट प्रारूप बनाने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। वहीं से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि योजना और कानून वल्लभ भवन में बैठे लोग बनाते हैं। तंज कसते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज के नियम भी लोगों ने ही बनाए हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या मंत्रियों पर कार्रवाई हुई। उमंग सिंघार ने नसीहत देते हुए कहा कि जहां से गंगा बहती है पानी वहीं से साफ करना होगा। पर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? सरकार भविष्य की बातें नहीं कह रही। जो घोटाले हैं जिनके कारण अवैध कॉलेज खुले जा रहे, अनसुटेबल कॉलेज, वो फिर आप उन्हीं से पैसे लेके आप धंधा कर रहे हो, इतने सालों से कॉलेज चला रहे हो, तो इन पे क्या कानून ला रही है सरकार? क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी? क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी? कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहां से गंगा बहती है सबसे पहले वहां पर आपको वहां का पानी। रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है। वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, विजय जांगड़, चंदन यादव, भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो उस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार क्यों हुई, इन कारणों की समीक्षा हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मानसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके अनुरूप है। पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठके और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ये जो